भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका एक ऐसा कदम उठा सकता है जिससे भारतीयों का अमेरिका में रहना और वहां काम करना और आसान हो सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी विदेश विभाग इस बात का ऐलान कर सकता है कि H-1B वीजा वाले कुछ भारतीय और दूसरे विदेशी कर्मचारी विदेश जाने की जरूरत के बिना ही अमेरिका में उन वीजा को रिन्यू कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एक पायलट प्रोग्राम से जुड़े सूत्र ने ये बात बताई है और इस पायलट प्रोग्राम का आने वाले सालों में विस्तार किया जा सकता है। अमेरिका के H-1B वीजा प्रोग्राम की बात करें तो भारतीय नागरिक बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2022 में 4,42,000 H-1B कर्मचारियों में 73% भारतीय हैं। हर साल अमेरिकी सरकार स्किल्ड विदेशी कर्मचारियों की जरूरत वाली कंपनियों को 65,000 H-1B वीजा उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही एडवांस्ड डिग्री वाले कर्मचारियों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीजा उपलब्ध होते हैं। ये वीजा 3 साल तक वैध होते हैं और इनको 3 और साल के लिए रिन्यू कराया जा सकता है। अमेरिकी सरकार के डेटा के मुताबिक पिछले कुछ सालों में जिन कंपनियों में सबसे ज्यादा H-1B कर्मचारियों को काम पर रखा गया है उनमें इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी भारतीय कंपनियों के साथ साथ अमेज़न, अल्फाबेट और मेटा शामिल हैं। एक सूत्र के मुताबिक पायलट प्रोग्राम में कुछ L-1 वीजा धारक कर्मचारियों को भी शामिल किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीयों के लिए वीजा एक्सेस को बेहतर बनाने के लिए बाइडेन प्रशासन ने कई महीने काम किया है। सूत्र के मुताबिक भारत स्थित अमेरिकी दूतावास में वीजा एप्लीकेशंस के बैकलॉग को क्लियर करने की पहल भी कुछ प्रगति के संकेत दिखा रही है। फिलहाल वीजा प्रोग्राम से जुड़े अमेरिका के नए आधिकारिक ऐलान या बयान पर निगाहें टिकी हैं।